नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं और नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे दुर्गाष्टमी के लिए प्रसाद। तो प्रसाद में हम बनाने जा रहे हैं काले चने और हलवा। हलवा यहाँ पे सूजी का बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फटाफट और जल्दी बन के रेडी होगा। और काले चने बहुत ही टेस्टी और मसाले से लिपटे हुए रेडी होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये चने लिए हैं मैंने, ये मैंने रात को भिगो दिए थे और इसे 4 से 5 सीटी लगा के मैंने उबाल लिया है। सीटी लगाते टाइम मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो लीजिए यहाँ पे हम करते हैं मसाले की तैयारी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया धनिया पाउडर और 2 छोटी चम्मच लिया जीरा पाउडर और 2 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर और ये 2 ही चम्मच लिया हमने अमचूर पाउडर। ये चारों मसाले लेंगे हम और इन्हें हम नॉर्मल पानी से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पे मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जब हम ये मसाले अभी मिक्स करके रख देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएंगे और जब हम इन्हें भूनेंगे तो ये जलेंगे नहीं मसाले। तो देखिए इस तरह से आपने इसका लिक्विड होल्ड रेडी कर लेना है मसाले का। तो यहाँ पे हमने ले लिया तेल, यहाँ पे लगभग मैंने 2 चम्मच तेल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा देखिए हमारा भुन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने मसाले का मिक्सर रेडी किया था। देखिए इस तरीके से अब जो हमने इसमें पानी मिलाया था उसके कारण ये मसाले हैं जो जलेंगे नहीं और अच्छे से कुक होंगे ये। तो लीजिए अब जो मसाले हैं इन्होंने, देखिए आप देख पा रहे हैं ऑयल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इनको अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितना बढ़िया से हमारा मसाला है जो रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने काले चने उबाल रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और इतने टेस्टी बन के रेडी होंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 चम्मच लिया हमने गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया हमने नमक, क्योंकि नमक हमने चने को बॉईल करते टाइम भी डाला था तो आप इस अंदाजे से डालें। तो लीजिए इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे इसी तरह से कढ़ाई में मसाले के साथ भून लेंगे। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारे काले चने बनके रेडी होंगे और बहुत ही फटाफट 10 से 15 मिनट में हमारे ये चने बनके रेडी हो जाएंगे। तो लीजिए हमने इन्हें लगभग 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसमें करेंगे पानी ऐड। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ पहले, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से। अगर आप डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी मसाले का, इसका चने मसाले का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी इसके बिना भी ये बन जाएंगे बहुत ही बढ़िया। तो लीजिए हमने यहाँ पे लगभग 1/2 कप पानी डाल दिया है। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके 6 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए 6-7 मिनट हो गए हैं, जो पानी है हमारा अच्छे से सूख गया है। तो हमारे ये चने जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह परफेक्ट बन के रेडी हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं सारे चने जो हैं मसाले से अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। तो लीजिए देखिए कितने सिंपल और इजी तरीके से हमारे ये चना मसाला बिल्कुल बन के रेडी हो गया प्रसाद से। और आप इसी तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होंगे। तो लीजिए इसे हम उतार देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ हलवे की तैयारी। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप घी देसी, यहाँ पे देसी घी लिया है मैंने और 1/2 कप लिया है मैंने रवा। और इस रवे को हम अच्छे से भून लेंगे स्लो फ्लेम पे, अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे भूने। जितना हम इसको बढ़िया भूनेंगे उतना ही बढ़िया हमारा हलवा रेडी होगा। तो देख पा रहे हैं कि रवा जो है ब्राउन हो गया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे लगभग मैंने 3 कप पानी ऐड किया है और इसे हम लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे। तो इसमें कोई लम्स नहीं रहनी चाहिए। देखिए देख पा रहे हैं कि पहले से जो हलवा है ये रवा है गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच दूध। इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाला था, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हो वरना स्किप कर दे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप डाला है चीनी और थोड़ा सा डाला है इलायची पाउडर। तो ये ले रही हूँ मैं थोड़े से मेवे। यहाँ पे मैंने किशमिश, थोड़ा सा सूखा गोड़ा, काजू और बादाम लिए हैं। तो चलिए इनको हम अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। आपने इसको छोड़ना नहीं है, बस लगातार चलाते रहें। जब ये हलवा हमारा घी छोड़ देगा तब ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो हमारा हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। आप देख पा रहे हैं एक जगह ये इकट्ठा हो गया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो देखिए 4-5 मिनट बाद
आप इसे ज़रूर छोड़ें जब आप सूजी का हलवा बनाएं, तो ये पूरी तरह से सेट हो जाता है। तो लीजिए यहाँ पे मैंने हलवे को थोड़ा सा ड्राई नट्स डाल के सर्व कर दिया, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ काले चने को सर्व। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे देख पाए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you.